स्टूडेंट्स, अब आते हैं चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट्स यानी कि वृत्त एवं स्पर्श रेखा का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीक्वेंस था, लिस्ट था, उसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। देखो, ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो दोनों को समझ में आएगा, तो वीडियो तक लास्ट तक बनी रहेगा तब समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस दिया 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी यानी कि पैरेलल जीवा यानी कि क्या बोलते हैं, कॉर्ड है ना, तो दो पैरेलल कॉर्ड है, तो सपोज यहां से ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, समांतर है, सपोज पहला कॉर्ड ए बी, दूसरा जीवा सी डी। क्लियर, ये हमें दिया, दोनों पैरेलल दिए, समांतर दिए, समांतर जीवाओं की बीच की दूरी बराबर भी दिया है, यानी कि जितना लेंथ ये होगा उतनी लेंथ ये भी होगा। तो हमको गिवन में क्या दिया गया है कि ए बी बराबर सी डी, दोनों जीवा का लंबाई बराबर है, दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल्स है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या दिया, समांतर जीवाओं की बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो दोनों की बीच की दूरी कितना दी है, 24 सेंटीमीटर। तो सपोज यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं सेंटर से, सेंटर को पास करते हुए, तो इसको अपन नाम देते हैं एम, इसको एन, तो एम एन दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, टोटल कितना 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम एन इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जीवा की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है, तो या तो ये कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करें या तो ये, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो अपने को चलो लेट सपोज नीचे का कॉर्ड को लेते हैं, तो ए बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड ए बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए बी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ए बी फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे सेंटर है, हमें रेडियस भी दिया है, रेडियस मतलब कि सेंटर से वो रेखा निकलेगा। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, वृत्त का यानी सर्कल का एक कॉर्नर तक। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन किए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए। ठीक है, और ओ ए क्या है, रेडियस है ना, तो रेडियस तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में रेडियस ऑफ सर्कल, और इसका लेंथ भी दिया है, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो ये हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि MN का, देखो ये MN का वैल्यू 24 है, देखो ये 24 दिया हुआ है इसका वैल्यू। ठीक है, MN का, अगर MN 24 है तो ON क्या होगा, इसका आधा होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है इससे, सेंटर से है ना, तो ये दोनों बराबर है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, MN इक्वल टू 24 है अगर, तो ON इक्वल्स टू MN डिवाइड बाई 2, तो MN का वैल्यू 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12, तो ये कितना है 12। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो ये जो है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो जो फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AON, ट्रायंगल AON से अगर हम देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है यहां पे, ये 20 का स्क्वायर, बेस क्या है यहां पे, AN, तो AN का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, ON, तो ON का स्क्वायर। देखो ON का हम वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ON का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, ये जो प्लस 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू AN का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 256 आएगा। ठीक है, 256 इक्वल्स टू AN का स्क्वायर, अब AN का स्क्वायर इसको इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो AN इज इक्वल्स टू रूट 256। ठीक है, तो रूट 256 किसका वर्गमूल होता है, 256, ये होता है 16 का। ठीक है, तो AN का वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, तो AN का वैल्यू कितना आ गया 16, अगर AN 16 है तो AB क्या होगा, उसका दोगुना होगा, है ना, ये हम पढ़े हुए हैं कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो इसको बाइसेक्ट कर देता है यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना था, अपने को AB फाइंड आउट करना था, AB, तो AB इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, AN प्लस BN या फिर NB लिख सकते हैं,
और ए एन प्लस एन बी, तो ए एन इक्वल्स टू ए एन प्लस ए एन बी लिख सकते हैं। अब क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन जो है वो बराबर है एन बी से, इसलिए तो टू टाइम्स ऑफ ए एन हो जाएगा। तो टू टाइम्स ऑफ ए एन का वैल्यू कितना है 16, तो टू टाइम्स ऑफ 16 क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का वैल्यू, तो ए बी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 10th। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा सीजी बोर्ड क्लास 10th वालों के साथ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए। और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।